गाइस सुबह सुबह ना मेरे साथ एक सीन हो गया बहुत गंदा, क्योंकि आज का दिन खराब है मेरा, क्योंकि आज दशहरा भी है, तो रावण वाली फीलिंग आ रही है बहुत गंदी मुझे, आज मरुआ मुझे दिख गया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। सो गाइस आज है दशहरा और आज मैं हो रहा था बोर बहुत ज्यादा ही घर पे। बोर का क्या मतलब यार, मतलब टाइम पास नहीं हो रहा था, ऐसे कुछ था सीन। तो मैंने ना बुक माई शो खोल के देखा, उस पर लगी हुई थी एक गणपत मूवी टाइगर श्रॉफ की, तो मेरा मन करा मैं देख आता हूँ उसको यार। टाइगर श्रॉफ को टायर है मतलब अमिताभ बच्चन को देखा मैं यार उसमें, टाइगर मतलब अमिताभ बच्चन का उस मूवी में क्या सीन है। तो इस वजह से हम जा रहे हैं गणपत मूवी देखने, 3:50 का शो है और बाइक पे जा रहा हूँ मैं। और फेस फ्रंट से तो मैं इंट्रो कर नहीं सकता, क्योंकि बाइक पे चलते चलते ना कोई इंट्रो का मतलब नहीं बनता मेरा, तो मैं तुम्हें वहीं जाके अपना फ्रंट फेस से तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। तो मैं फ्रंट फेस से ही वो करूंगा, जो भी बोलते कमेंट्री वगैरह देते ना तो वही करेंगे, जो भी करेंगे। और आज मैं अकेला हूँ बिल्कुल, क्योंकि आज से मैं हमेशा अकेला जाऊंगा, मुझे कहीं भी जाना होगा मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि कल मैं अपने यूनिवर्सिटी में गया था वहाँ भी अकेला गया था, अकेले जाने में ज़्यादा सुहा है। और अभी मैं हूँ सेक्टर 7 वाले रोड पे, हाँ सेक्टर 7 के रोड पे हूँ मैं अभी, जिम खाना क्लब। गाइस मैं तुम्हें जिम को मतलब मैं मिराज सिनेमा में पहुँच के बताऊंगा मैं तुम्हें आगे का सीन, ठीक है। अभी मैं बाइक चला के पहले पहुंच जाऊँ वहाँ पे। गाइस ये वाला रोड ना कुछ नया बन रहा है, मतलब पूरा नया बन रहा है, तो इसमें ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। रात में मैं आता हूँ इधर से तो आँखों में मिट्टी, बालों में मिट्टी, पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और यहाँ से ना ऊपर नीचे बहुत है यार, देखो कितना ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पे तुम रात में आओगे ना तो संभल के आना जितने भी तुम सोनी बद के हो, क्योंकि इधर से ना मतलब हो जाता है कुछ ना कुछ सीन होता है ना, धचका धुचका लगेगा स्टैंड इसका बाइक का, तुम सीधा नीचे आओगे, मिट्टी तुम्हारे मुंह में होगी, बाइक तुम्हारे सर के ऊपर होगी और तुम नीचे बाइक के, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे ओ भाई भाई देखो मिट्टी, देखो कितनी उड़ रही है इधर, इतनी मिट्टी उड़ती है इधर हद से ज़्यादा। और तुम्हें ना मैं एक बात बता दूँ, मेरा ना जो मतलब मेरे फ़ोन के 2 कैमरे हैं, iPhone 12 तो है ही मेरा, तो उसमें ना एक वाइड वाला मेरा कैमरा बिल्कुल ओके है, और जो दूसरा कैमरा होता है वो वाला ख़राब हो चुका है, किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर रहा उसको, मैं अगर फोकस करने की कोशिश करता ना उसमें आवाज़ आती है टैप टैप की, मतलब बहुत अजीब सी टक टक की आवाज़ आ रही है उसमें, और ऐसा लगता है कि कैमरा क्वालिटी भी गिर चुकी है मतलब पीछे साइड के। गाइस आज रोड पे ना सेक्टर 14 मतलब सेक्टर 12 वाले रोड पे ना उस दिन मेले मेले लगे, मतलब खिलौनों की दुकान लगी हुई है इस साइड भी उस साइड में, मतलब दोनों साइड बहुत सारे दुकानें लग चुकी हैं आज। रावण वैसे जल कहाँ रहा है इनका, इनका रावण भी तो देखो मैं किधर है। गाइस इनका रावण ना भी मतलब लगा नहीं है उस साइड है, उस साइड मतलब एक ग्राउंड है उधर लगा हुआ है, तो उधर अभी उनका रावण लेटा हुआ है, क्या पता कब तक खड़ा करेंगे ये। वैसे रावण यार डबल मीनिंग बात है, नहीं तो खाने पीने का भी बहुत कुछ है इधर भाई, कुछ भी खा सकते हो तुम, बट ये फ्री में नहीं खिलाएंगे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, और अगर पैसे ना हो तो तुम जी पे कर सकते हो खुली हो यार, अंकल रोक के मारोगे क्या। हाँ जी तो गाइस मैं मॉल में पहुंच चुका और मैंने पार्किंग में बाइक लगा दी है यार, ये तो 20 रुपये लेने लगे, पहले 10 रुपये लेते थे पार्किंग, अब 20 रुपये, मतलब मॉल वाले भी पता मतलब फेस्टिवल देख के बंदे की ऐसी तैसी करते हैं, बड़े अजीब होते हैं अभी, समझ रहे हो मेरी बात को। कौन से भाई 30 रुपये, तो जी हाँ गाइस अपन जा रहे हैं 30 फ्लोर पे। गाइस मुझे लगा था ना मॉल में क्राउड होगा, बट ना मॉल में क्राउड है ही नहीं जरा, इतना नहीं है थोड़ा बहुत ही, ये 20-25 बाड़ा के बस मॉल में 20-25 और कुछ है ही नहीं, क्योंकि दशहरे के दिन बच्चे वहाँ घूम रहे होंगे मेरे साइड में, तो इधर कोई घूमेगा। गाइस मैंने अपना यहाँ पे बैग रख दिया और मैंने टिकट भी ले लिया है और बर्ड्स ले लिया, ओह शिट चार्जर लेना भूल गया, चार्जर बर्ड्स दोनों ले लिए हैं और बर्ड्स मेरे कान में लगा हुए हैं, जेब में पैसे रख लिए हैं अपने जो बैग में पड़े थे, तो अभी मैं वहाँ बैठूँगा क्योंकि 3:50 का शो है, अभी अंदर जाने नहीं देंगे। तो गाइस इतने में यहाँ पे इन जीनों पे बैठा हूँ, वेट कर लेता हूँ, वेट करने में क्या ही जा रहा है, क्योंकि वेट तो करना पड़ेगा हर एक चीज़ में। गाइस मेरी ना एक सुबह वाली क्लिप होगी उसमें ना मतलब उससे मतलब उस पर दाढ़ी दिखती होगी, तो अभी मैं घर से शेविंग करके आया फुल, तो मेरे को ना मुँह पे दाढ़ी बहुत कम पसंद है, क्योंकि ना एज के हिसाब से पसंद आती है, और अभी मेरी इतनी एज भी नहीं हुई कि दाढ़ी रखने लगती हूँ, वो थोड़ी मुझे अजीब अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे को ना क्लीन से रहना ज़्यादा पसंद है बहुत ज़्यादा। गाइस मुझे ना भूख लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कुछ खा ली करते, और तुम्हें ना ये लड़का लिख रहा होगा इधर ना लड़की भी, दोनों भाई साहब फुल आस्किंग कर रहे थे, मतलब निब्बा नुब्बे वाली चुम्मा चाटे कर रहे थे हाथों पे एक दूसरे के। गाइस मैंने ना आलू टिक्की बर्गर ऑर्डर कर दिया, ये वाला आलू टिक्की बर्गर, और वो एक मैंने हेल ली है बस, उसी में मेरा पेट भर जाएगा बिंदास वाला। गाइस मेरी आलू टिक्की बर्गर और हेल आ चुकी है, इतने में खा लूँ इसको फिर मस्त मूवी देखने जाएंगे। गाइस मैंने बर्गर खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर मूवी देखने, क्योंकि टाइम हो गया है पूरा। गाइस मैंने तो अब भी देखा यार मार्वल्स की मूवी आने वाली है। गाइस ये भैया लोग इधर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने रेस्टोरेंट की सफाई करनी भी जरूरी है, जब भी तो कस्टमर आते हैं ऐसे गंदे संदे में कोई नहीं आता है, पर ये पता नहीं क्या कर रहा है इतनी देर से, जब से मैं आया हूँ ना बहुत देर से सफाई कर रही है, मुझे लगता है पूरे मॉल को डुबाएंगे आज।
मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग गाइस, सॉरी मॉल वालों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हरकत करनी चाहिए, बहुत देर होगी हरकत नहीं करी मैंने, तो उसको मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, अपने आप उठा लेना। मैंने यहाँ पर रख दिया है, तुम इसे उठा लेना, सफाई कर लेना खुद, क्योंकि आज नहीं करूँ, आज मेरा मूड खराब है, राउंड वाली फीलिंग आ रही है बहुत गंदी, क्या पता इसे भी जला दूँ मैं। चाइनीज लग रहा ना एकदम, मैं फुल चाइनीज। गाइस इधर एक चार्जिंग स्लॉट है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ही अपना चार्जर लगा लूँ, फोन चार्ज कर लेता हूँ यहाँ पे। जी हाँ, हमने चालू कर दिया इसका बटन। गाइस मैं अंदर जा रहा हूँ, टाइम हो चुका है क्योंकि पूरा इस, अब जा रहा हूँ मैं अंदर। गाइस मैं आ चुका हूँ मॉल के अंदर, अभी मैं वॉशरूम आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ही ज्यादातर वीडियो शूट करता हूँ इसकी, मतलब व्लॉग की। तो चार्जर ये मेरे हाथ में, अभी इस मूवी स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल 3-4 मिनट रह रहे हैं, तो 3-4 मिनट स्टार्ट होता है मैं मूवी देखने अंदर चला जाऊँगा, इतना मैं हाथ धो लेता हूँ, वैसे मैंने कुछ करा तो नहीं है। गाइस मैं इधर वेट कर रहा हूँ, अभी भी ना 2 मिनट रह रहे हैं, अब ये 2 मिनट भी वेट करने पड़ेंगे। ओ एनिमल, ये कौन है? गाइस मैं गणपत देखने आया हूँ, वो रही टाइगर सीरोफ की, टाइगर सीरोफ यार मैं क्या बोलूँ इसके हीरो के बारे में, यार है तो मस्त बट फिर भी क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि लोग इसके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी घेरते हैं, मतलब कुछ है नहीं इसके में, कुछ इतना खास नहीं है, यार बंदा मस्त तो है, मूवीज तो बनाता है, कोशिश तो कर रहा है। कुछ भी बोलता हूँ मैं यार, जस्ट किडिंग गाइस, मैं ये पहले ही ले चुका हूँ। गाइस ये मेरा चार्जर पड़ा हुआ ऐसे पड़ा जैसे कि सांप हो, ये मैंने फेंका ऐसे वैसे, इधर ही वेट कर रहा हूँ मैं, इधर ही बैठूंगा पूरे दिन, मैंने जा रहा आज घर पे मूवी देख के भी इधर आके सो जाऊंगा, पूरी रात इधर ही रहूंगा, आज प्लान नहीं है मेरा घर जाने का, मूड खराब आज मेरा बहुत गंदा, मार दूंगा किसी को मैं जान से, क्योंकि आज उसकी वाली फीलिंग आ रही है राउंड वाली, और शिट यार राउंड तो खुद मर जाता है लास्ट में, मतलब मुझे मरना तो पड़ेगा गाइस। यार 2 मिनट अभी भी रह रहे हैं, 2 मिनट के बाद मैं अंदर आऊंगा। गाइस यहाँ पे ये पॉपकॉर्न स्लॉट का काउंटर है ना, यहाँ से नहीं सुंदर मैडम आई थी तीसरा स्लॉट खोलने, शायद मेरे को लगता है खोलते, बड़ी सुंदर थी यार, मैं तो हो गया नर्वस हो गया उसे देख के, बहुत बोला था ना वही खोलने आई है, तो खोल दिया गाइस अपन पर चढ़ गए अंदर, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी वो कौन सी है, क्या नाम उसका कौन सी। हाँ जी तो गाइस बुक कर रखा है भाई ने, नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी कोई आया नहीं, सबसे पहला मैं ही आया हूँ यहाँ पे, देख लो कोई भी नहीं अभी, कोई भी मैं ही अकेला आया हूँ सिर्फ यहाँ। गाइस जैसे रणवीर सिंह के साथ ना ये साउथ वाली हीरोइन मिल नहीं रही है, पता नहीं मतलब वो नहीं हो रही, कुछ मैच नहीं खा रही ये इसके साथ, वो नहीं कर रही है, मतलब समझते हो ना, मतलब अच्छी नहीं लग रही। गाइस मूवी स्टार्ट हो चुकी है, बच्चन साहब गाइस, अमिताभ बच्चन, टाइगर बाबा गाइस, टाइगर सीरो गाइस, टाइगर सीरो तो एक ही बेड पर 4 लड़की लुटो रहा है, मतलब लिटा रहा है, लंडे असली लगा ही तो 5-6 बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगे रहा। गाइस जब मैं मूवी देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखनी है, बार बार क्लिप बना रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा वो हो रहा है, इरिटेशन हो रही है मुझे भी, तो मैं देख के तुम्हें रिएक्शन बता दूँ कैसा था मेरा, ठीक है? बस इंटरवल हो गया, मैं यहाँ पे पानी पीने आया हूँ क्योंकि प्यास लगी थी मुझे बहुत तेज। इंटरवल खत्म हो चुका है गाइस, मूवी चालू हो गई है, अब मैं देखता हूँ कैसी है, अभी देखने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि ना इंटरेस्ट बन गया है मूवी में, और अच्छी भी है लग रही है, मतलब पूरी अच्छी थी। मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा क्या हो, पहले पर यहाँ से निकलता हूँ मैं अभी। अरे यार मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, खुल रही है वाह भाई, नीचे बुलाया मैंने, ऊपर जा रही है। अच्छा इस साइड गई क्या? शायद इस साइड अंडरग्राउंड का ना बैकग्राउंड, क्या कहते हैं उसे, बैकग्राउंड अंडरग्राउंड। हाँ जी तो गाइस अपन जा रहे हैं अंडरग्राउंड पे, मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्टार्टिंग में तो मुझे बोरिंग सी लग रही थी, फिर ना अरे भाई ऊपर नहीं जाना, ऊपर बुला लिया किसी ने, स्टार्टिंग में मुझे बोरिंग लग रही थी पर अंत मूवी थी भाई। मैंने ही गलत बटन दबा दिया था, अपन तो जा भाई जल्दी, और जाना है मुझे बेसमेंट में, बेसमेंट में जाएगी हाँ, ये हुई कुछ बात। आ चुका हूँ बेसमेंट में अपनी बाइक लेने, और इधर मेरी बाइक खड़ी हुई है, शुक्र करो किसी ने उठाई नहीं, क्योंकि ये दूसरी की बाइक है, अगर किसी ने उठा ली तो मैं उठ जाऊंगा। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अगर तुम्हें व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जो भी कर देना वो भी कर देना, और मैं तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा, अभी पता है बहुत ज्यादा क्राउड होगी, भीड़ होगी, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे क्या होता है। बाय। मुझे ऐसे मतलब ऊपर चढ़ाने में ना बड़ा मजा आता है रोडों पे, पर ये बेसमेंट से आया ना बहुत मजा आ रहा है मुझे चढ़ाने में, ऊपर ऐसा मजा आ रहा है पूरा।